प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात जापान के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23-24 मई को जापान की राजधानी टोक्यो में होंगे। इस दौरे में मोदी जहां एक तरफ क्वाड नेताओं के शिखर बैठक में शरीक होंगे, वहीं करीब 36 घंटे की इस यात्रा में उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम से भी होनी है। प्रधानमंत्री मोदी की इस तीसरी जापान यात्रा में जहां एक तरफ क्वाड नेताओं की दूसरी प्रत्यक्ष का महत्वपूर्ण एजेंडा चर्चा की मेज पर होगा, वहीं द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान भी निवेश, व्यापार, सुरक्षा, तकनीक समेत कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत होनी है। बैडमिंटन के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट थॉमस कप पर भारत ने पहली बार जीत हासिल कर इतिहास रचा। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप विजेताओं से खास बातचीत की। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बात करते हुए कहा कि आपकी जीत पर पूरे भारत को गर्व है। पीएम मोदी ने इस दौरान टीम से कहा कि आपको कभी और खेलना है और देश को खेल की दुनिया में आगे लेकर जाना है, देश की आने वाली पीढ़ियों को खेल के लिए प्रेरित करना है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी तरफ से पूरे भारत की तरफ से आप सभी को बधाई। दावोस में आज से 26 मई तक विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन चलेगा, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के सीएम भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए शनिवार को पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटा दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा कि हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर रहे हैं और इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर, डीजल की जो कीमत है वो 7 रुपए प्रति लीटर कम होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से ईंधन की कीमतों में कटौती की घोषणा किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के लिए जनता सबसे पहले है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को ऐलान किया कि पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है, जिससे पेट्रोल 9 रुपए सस्ता होगा, डीजल की कीमत प्रति लीटर 7 रुपए कम होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा उत्पाद शुल्क की दर कम करने से हो रहा है और इस फैसले के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे लिए हमेशा लोग पहले होते हैं। आज के फैसले विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में महत्वपूर्ण कमी से संबंधित कई क्षेत्रों पर पॉजिटिव प्रभाव डालेंगे, हमारे लोगों को राहत प्रदान करेंगे और ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम करने का ऐलान किया। वहीं सरकार के इस ऐलान के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सरकार पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने लिखा कि प्रिय वित्त मंत्री, आज पेट्रोल की कीमत 105 रुपए के पार है और कीमत 9 रुपए कम हो जाएगी। 21 मार्च को पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर थी, 60 दिनों में पेट्रोल की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई। उन्होंने कहा कि लोगों को मूर्ख बनाना बंद करें। देश में एक बार फिर 2000 से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं। हालांकि यह आंकड़ा एक दिन पहले 21 मई के आंकड़ों से थोड़ा कम है। बीते 24 घंटे में देश में कुल 2226 नए कोरोना केस आए, वहीं 65 लोगों की कोरोना से मौत हुई। इससे पहले 21 मई को कोरोना के कुल 2323 नए केस आए और 25 लोगों की मौत हुई। हालांकि एक्टिव मामलों में अब थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। देश में कुल एक्टिव मामले 15,000 से घटकर अब 14,955 तक पहुँच चुके हैं। चंडीगढ़ के मणिमाजरा में सरेआम एक युवक पर हमला किया गया। बता दें, युवक रात को पैदल जा रहा था, जिस दौरान कुछ युवकों ने युवक पर अचानक हमला कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। बता दें, मृतक नगर निगम में ठेके पर काम करता था। हत्या की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमलावरों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। दिल्ली में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। भलसुआ जेरी में बजरंग चौक के पास की घटना बताई जाती है। प्रसाद नगर फायर स्टेशन के उप अधिकारी
एनएस मीणा ने इसको लेकर जानकारी दी। दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, गर्मी से भी राहत मिली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई। इसके अलावा 23 और 24 मई को उत्तर पश्चिमी भारत में बरसात की संभावना जताई जा चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में गर्ज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में तापमान में कुछ और गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने 23 और 24 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।